हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो गाइस, ये मेरा मिनी वीडियो रहेगा और मीशो से रिलेटेड। जैसे कि आपने मेरे आजकल वीडियोस देख रहे हो सीरीज बाय सीरीज, एंड देन आपने कल मेरा वीडियो देखा होगा ब्यूटी सॉन्ग आ रही कि मैंने हेयर कट करवा लिया अपना, पर इतना मज़ा नहीं आ रहा। मतलब इससे बेटर था कि मेरा जो पहले वाला लुक था, पहले वाले लॉन्ग हेयर थे, वही ज़्यादा मुझे अच्छे लगे। तो चलिए बिना कोई देरी के आज की वीडियो मेरी मीशो साड़ी बैक कवर के ऊपर। देन मैंने 166 रुपीज़ के ये 10 पीस ऑर्डर किए थे मीशो से, तो 166 नॉट बैड डील। और क्वालिटी देखेंगे, जिप क्वालिटी देखेंगे, एंड इसकी जो कवर की क्वालिटी है वो देखेंगे कि इसमें कैसी है। तो आजकल मैं सीरीज छोटे छोटे लेके आ रही हूँ, क्योंकि मेरे सारे जो पार्सल हैं वो ऐसी धीरे धीरे आ रहे हैं, तो मैंने कहा ठीक है धीरे धीरे बनाऊंगी, एक एक करके वीडियो बनाऊंगी, छोटे छोटे रहेंगे पर सब चीज़ें आपको जरूर दिखाऊंगी, है ना। तो चलिए बिना कोई देरी के फटाफट से अनबॉक्सिंग करते हैं, क्योंकि आज ही मुझे रिसीव हुआ है, तो इसे पहले अनबॉक्सिंग करते हैं उसके बाद। और इसलिए मैं भी छोटी छोटी वीडियो बना रही ताकि बीच में मिस भी ना हो और सब चीज़ें आ भी जाएँ, है ना। चलिए, तो ये मुझे कुछ ऐसे इनकी जो पैकेजिंग है वो आपने देख ली कैसे रिसीव हुई, ठीक है। एंड देन इनकी क्वालिटी तो मुझे सही लग रही है, और ये गोल्डन जिस पे ये बनाया हुआ ना, इनका डिज़ाइन कितना मस्त लग रहा है ना सब में, तो ठीक है। तो आपको मैं बता दूँ, इसमें मैंने 10 का ही शायद पैक करा होगा, तो काउंटिंग करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कंप्लीट 10 है, कोई धोखाधड़ी नहीं मीशो में, ठीक है। और मैं बता दूँ आपको, एक साड़ी के एक कवर एक साड़ी के हिसाब से है। तो मेरी अलमीरा में ना मेरी साड़ियाँ ऐसी पड़ी थी, तो मैंने सोचा कि उन्होंने कवर में डाल दूँ, साड़ी ब्लाउज पेटीकोट तीनों सेट करके डालूँगी, क्योंकि कभी भी ऐसे ज़रूरत होती ना फिर मिलते नहीं है, मेरा कहीं पेटीकोट कहीं साड़ी कहीं ब्लाउज रहता है, तो उसकी वजह से मैंने ये मंगाया कवर। तो मुझे लगा अगर ये कवर अच्छे आ गए तो मैं नेक्स्ट और 10 पीस और ऑर्डर करूँगी, ठीक है। तो उसी के हिसाब से तो बात करूँ तो इसकी जो ये बहुत ही प्यारा सा ये गोल्डन डिज़ाइन दिया है, बहुत ही मुझे प्यारा लगा, क्वालिटी भी बहुत ही बढ़िया है, ये मेरी क्वालिटी हल्की है, क्वालिटी एकदम बहुत बढ़िया है, ठीक है। कितना भी खींच ले से आपको ख़राब नहीं होगा, क्वालिटी एकदम बढ़िया है। एंड आई जिप क्वालिटी की बात, तो जिप क्वालिटी एकदम मस्त है, यानी कि बहुत ज़्यादा हल्की है, बहुत सही है जिप क्वालिटी। और इसका डिज़ाइन ओवरऑल इसका लुक बिल्कुल मस्त लग रहा है मुझे, आप देख के बताना। एंड एक मुझे लगता है कि एक कवर दो साड़ी के हिसाब से हो सकता है, यानी हो सकती है एक, अगर आपको पतली पतली साड़ियाँ हैं तो एक कवर में दो साड़ियाँ आपकी इजीली आ जाएंगी। मेरी तो खैर जैसे सिल्क या बनारसी वाली है, आप हॉच पॉच नहीं करना चाह रहे तो एक में एक ही डालो, और बाकायदा आपकी डेली यूज़ वाली जैसे होते हैं ना, बहुत सारी लेडीज़ डेली वेयर की साड़ियाँ पहनती हैं, प्रिंटेड साड़ियाँ पहनती हैं, ऑफिस वाली जो होती हैं ज़्यादातर, ऑफिस वाली वर्किंग वूमेन जो ज़्यादा होती हैं उनके हिसाब से बढ़िया। और जैसे हमारे जब हम इधर उधर ट्रैवलिंग में जाते हैं तो हमें होता है ना कि हमारे जो प्रेस किए हुए कपड़े हम किस में रखें, उसके लिए भी ये बहुत ही बेस्ट ऑप्शन है कि अगर आप ट्रैवलिंग में जा रहे हो और आपको वो है कि हमारे कपड़े इधर उधर मैशअप ना हो जाए, और अपने बच्चों के अपने अपने हस्बैंड के तीनों के अलग अलग पार्टीशन में आपको डिवाइड करना है, तो यह है कि मस्त बेटर है कि आप इसमें अपने एक में टी शर्टें रख लीजिए, एक में आप अपने जीन्स वगैरह रख लीजिए, टॉप्स वगैरह रख लीजिए, सूट्स रख लीजिए, अगर आपको मतलब छोटे छोटे शॉर्ट मिडीज वगैरह पहनने वो ईजिली आप इसमें कैरी कर सकते हो, बहुत ही प्यारे से लगेंगे आपको इसे कैरी करने में, और बहुत ज़्यादा आपका बैग मैशअप भी नहीं होगा, एंड देन बहुत इजीली आपके कैरी भी हो जाएंगे, है ना। सो गाइस, चलिए ये था मेरा आज का मिनी ब्लॉग, और नेक्स्ट वाले वीडियो ठीक है, तो नेक्स्ट वाले वीडियो में कोशिश करूँगी कि और आपके लिए थोड़ा सा और बेटर लेके आऊँ, मतलब जिस हिसाब से मेरे ये सारे पार्सल आएंगे, जिस हिसाब से मुझे कुछ भी चीज़ रिसीव होगी उसके हिसाब से। तो चलिए मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वाले वीडियो या ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए अपना और अपनी फैमिली का, राधे राधे, जय माता दी।